तो नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन टाइम जो है काफ़ी टफ टाइम बन चुका है। ये इलेक्शन में आप मार्केट में देख रहे होंगे कि जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है एक कैंडल ख़त्म कर दे रहा है, स्टॉप लॉस तुरंत खा जा रहा है। तो ये इलेक्शन टाइम क्या माना जाए कि स्टॉप टाइम है, यानी ट्रेडिंग को बंद कर देना चाहिए, ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, एटलीस्ट मार्च भर के लिए, जब मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो क्या एडजस्टमेंट बनानी चाहिए, क्या एडजस्टमेंट मेरी है, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो पहला एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, अभी के समय में शिफ्टेड ऑन कैश एडजस्टमेंट, सारा जो कैश ट्रेड में शिफ्ट कर लेना चाहिए। कैश ट्रेड में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कैश बाई मतलब जितना पैसा है आपके पास उसी में बाई करिए, कैश एडजस्टमेंट में काम करिए। तो ये आपके लिए एक अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। आप पोजिशनल ट्रेड करिए, पोजिशनल ट्रेड से क्या होगा, कैश में आप जब पैसा कोई भी सौदा लेंगे, कोई भी ट्रेड लेंगे, आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही लिए, इंट्राडे की तरह आज ही लिए, आज ही बाय किए, आज ही सेल करना है, ये रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं रहेगा, ये चीज़ हट जाएगा, आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको शिफ्टेड ऑल ट्रेड इन कैश मार्केट में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए अभी मार्च भर के लिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि ऑब्जर्व मोर ट्रेड लेस, आपको दूसरा जो रणनीति बनानी चाहिए इस इलेक्शन ईयर्स में कि ऑब्जर्व ज़्यादा करना चाहिए, ऑब्जर्व मोर एंड ट्रेड लेस। आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, चीज़ें क्या हो रही है उसको ज़्यादा देखना है और ट्रेड कम करना है। ये आपको एडजस्टमेंट बना के चलना है मार्केट में, क्योंकि सर्वाइवल इज द की, सर्वाइव करना बड़ा चीज़ है, ना कि ट्रेड करना। ट्रेड ही ज़िंदगी नहीं है, बहुत लोग ट्रेड को ही ज़िंदगी मना लेते हैं, ट्रेड करना ही उनको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ ट्रेड ही सब कुछ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाइवल इज द की, आप अगर सर्वाइव करेंगे, आपके पास कैपिटल रहेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए सर्वाइवल इज द की, आपको सर्वाइव करना है, कैपिटल को बचाना है। अभी का मार्केट ऐसा है कि कैपिटल बच जाए वो बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं कि डेली आपको पैसा को डबल ही बनाना है, पैसा डबल कब बनेगा ये मार्केट सही करता है। अभी का मार्केट अभी ऐसा नहीं है, कभी भी मार्केट कुछ भी मूव दे देता है। तो इसलिए ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है, आपको कैश का मार्केट अब बन चुका है। हर रोज़ अभी एक्सपायरी होता है, हर रोज़ एक्सपायरी में लोग ट्रेड करते हैं और काफ़ी हेवी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। इसलिए आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, कैपिटल को बचाना है, तभी मार्केट में आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा, आपको एक एडजस्टमेंट करना चाहिए कि डोंट ट्रेड एवरी डे, हर दिन आपको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, आपको ट्रेड हर दिन नहीं करना है, क्योंकि जितना दिन आप ट्रेड करेंगे आपको उतना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना है ज़्यादा, हर दिन ट्रेड नहीं करना है, डोंट ट्रेड एवरी डे। स्कैल्पिंग एक होता है जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, इसको अभी नहीं करना है, डोंट डू स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग जैसे कि आप तुरंत तुरंत मूव होता है, आप तुरंत लिए 5 लॉट और तुरंत आपको पता चलेगा कि ये सौदा 50,000 का था, 1,00,000 बन गया, और ऐसा भी होगा कि रिवर्सल काफ़ी फास्ट होता है, आप अपना स्टॉप लॉस संभाल नहीं पाएंगे, आप 50,000 पता चलेगा गायब भी हो गया। तो ये स्कैल्पिंग में होता है, इसलिए अभी स्कैल्पिंग नहीं करना है, ये स्कैल्पिंग का मार्केट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया में दिखाया जाता है कि लाखों करोड़ों का इनकम एक दिन में कर लिया गया है, लेकिन ये सारे फर्जी हैं, इसे आपको मान के चलना होगा। मेक पीस विथ मेकिंग लेस रिटर्न, आप ये तभी कर पाएंगे, आपको पीस तभी मिलेगी जब आप सोचेंगे कि आज हम लेस रिटर्न में ही खुश हैं, कम रिटर्न में ही खुश हैं। अगर एक साल में आप 30-40% भी बना रहे हैं
काफ़ी अच्छा पैसा है, 30-40% अगर आपके पास कैपिटल है उसका, अगर 30-40% भी बना ले रहे हैं काफ़ी बड़ा पैसा है वो। ऐसा नहीं कि वो डबल करना है एक साल में, एक दिन में डबल करना है, एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बन सकता है। इसलिए आपको मेक पीस विथ मेकिंग लेस रिटर्न से आपको संतुष्ट होना होगा। आपको संतुष्टि मैन है, आपका संतुष्टि मैन है, आपको लाइफ में संतुष्ट होना काफ़ी चीज़ है, शांति काफ़ी चीज़ है लाइफ में। हर चीज़ खाली ट्रेडिंग नहीं होता, हर चीज़ पैसा कमाना नहीं होता, पीस भी काफ़ी ज़रूरी होता है। स्पाइक आजकल बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए आपको स्पाइक में संभल के रहना है। ये जो स्पाइक है आपके कैपिटल को जीरो कर देता है, स्टॉप लॉस तुरंत ख़त्म कर देता है, आपको हेवी नुकसान होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट सेबी भी बोल रही है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लूजर्स हैं, 90% फ्यूचर ऑप्शन में लोग पैसा गंवाते हैं, और यही रीज़न है कि उसका जो ग्रीड है काफ़ी हाई हो रहता है और इसीलिए उसका पैसा डूबता है। आपको ट्रेड ऑप्टिमल ओकेजनली करना है, ट्रेडिंग जो है ऑप्शन में आपको ओकेजनली करना है। ऑप्शन में आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको ओकेजन में ही करना है, जब देखना है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग तभी हम करेंगे जब कुछ पैसा बनेगा, जब आपका 100% श्योर होंगे, जब आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा लगेगा, तो अभी तभी ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि शार्प रिवर्सल पॉसिबल है, हर समय पॉसिबल होता है। शार्प रिवर्सल कभी भी आ जाता है मार्केट में, कभी भी आप कोई पोजीशन लिए हैं वो आपको पता चल रहा है कि 100 रुपीज़ 200 हो जा रहा है, 100 रुपीज़ जीरो भी हो जा रहा है, तो ये शार्प रिवर्सल काफ़ी मार्केट में दिख रहा है और ये सेकेंड में हो रहा है, विद इन सेकेंड में हो रहा है, ये सेकेंड में हो रहा है, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, उससे पहले ये मूव आ जाती है आपके पास। तो इसलिए आपको ये शार्प रिवर्सल को वॉच करना है। पिक एंड चूज योर डे, आप हर दिन ट्रेड मत करिए, एक चूज कर लिए डे को, पिक एंड चूज कर लीजिए। जैसे फ्राइडे के दिन में वोलेटिलिटी नहीं रहती है, उस दिन आप थोड़ा साइडवेज मार्केट रहती है, तो उस दिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अपना डे चूज कर लीजिए कि आपको मंडे को करना है, ट्यूजडे को करना है, वेडनेसडे करना है, थर्सडे करना है। और आजकल ऐसा भी नहीं कि एक्सपायरी नहीं है, हर दिन एक्सपायरी बनाया गया है मार्केट में, एक जो है सट्टा बाज़ार इसे बोलते ही हैं, और ये सट्टा बाज़ार की तरह एक हेवी सट्टा बाज़ार बन चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग का, एक फ्यूचर ऑप्शन का, जो मार्केट में लोगों का पैसा को बर्बाद कर रहा है। डोंट बी इन फोमो ऑफ मिसिंग मूव, आपको जो है फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं फोमो, उसमें नहीं आना है आपको। ये फोमो में नहीं पड़ना है कि आज हम मिस कर दिए, आज ट्रेड नहीं किए, आज मेरा पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं बना कल बनेगा, कल नहीं बना परसों बनेगा, अभी पूरा ज़िंदगी बाकी है, आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप फोमो में मत आइए, फोमो में ऐसा मत करिए कि डोंट बी इन ए फोमो ऑफ मिसिंग मूव, मेरा मूव मिस हो गया, आज अभी हम ये ट्रेड ले लेते हैं, मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाता, 1,00,000 का प्रॉफिट हो जाता, इसमें मत पड़िए, इसमें आपका नुकसान ही होगा, आप हार पार के फिर एक ट्रेड ले लेंगे उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेड पे फोकस करना है इन इलेक्शन ईयर्स में। क्या है पोजिशनल ट्रेड, क्या है जो आप आज लिए आप कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, नरसों बेचेंगे, ये 6 महीना बाद बेचेंगे, 1 साल बाद बेचेंगे, इस तरह का पोजिशनल ट्रेड में आपको फोकस करना है, जो तभी पॉसिबल है जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो कैश मार्केट में क्या होगा कि ठीक है आज नहीं बना, कल परसों नरसों कभी तो मूव आएगा, तो ये पोजिशनल ट्रेड में पॉसिबल है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे स्कैल्पिंग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सारे जो वे हैं जो आजकल फेमस हुए हैं, स्पाइक में प्रॉफिट करना, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट करना, रिवर्सल में प्रॉफिट करना, ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है और इलेक्शन टाइम काफ़ी टफ टाइम होता है, क्योंकि रिवर्सल काफ़ी हाइप में रहती है, काफ़ी विद इन सेकेंड में होती है, इसलिए आपको इस सब चीज़ में फोकस करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग इज नॉट ए लाइफ, ट्रेडिंग के अलावा भी लाइफ है, ट्रेडिंग के अलावा जो है पीस जरूरी है लाइफ में, लाइफ को जीना जरूरी है, लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है।
तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या एडजस्टमेंट है, आप किस तरह से सच अपना बताएं कि क्या प्रॉफिट में है, लॉस में है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसा है, कैश मार्केट सही है या ऑप्शन ट्रेडिंग सही है, आप अपना राय जरूर व्यक्त करते हैं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।